मुझे उस खुदाए करीम व अजीज की कसम है जो झूठ का दुश्मन और मुफ्तरी का नेस तो नाबूद करने वाला है कि मैं उसकी तरफ से हूं और उसके भेजने से ऐन वक्त पर आया हूं और उसके हुक्म से खड़ा हुआ हूं और वो मेरे हर कदम में मेरे साथ है और मुझे जाया नहीं करेगा और ना मेरी जमात को तबाही में डालेगा जब तक वो अपना तमाम काम पूरा ना कर ले जिसका उसने इरादा फरमाया है ईमान यकीन तहदी और जलाल से भरे हुए ये मुबारक अल्फाज उस मुक़दस हस्ती के हैं जिसको अल्लाह ताला ने इस जमाने में बन इंसान की हिदायत और रहनमाई के लिए मबूस फरमाया ये मुक़दस वजूद हमारे प्यारे आका सरवर का खातमुल ख़ातम्बिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्हु वसलम के रूहानी फ़रजंद जलील हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद साहब का दयानी आलतम का है उन्नीसवीं सदी के आगाज़ में सदना हज़रत अकदस मसीह माऊद आसलातम ने खदमत इस्लाम की खातिर कलमी जिहाद का आगाज़ फरमाया और मार्कतुल आरा किताब ब्राहीन अहमदिया तसनीफ़ फरमाई जिसकी वजह से मुसलमानों के पसमरदा चेहरों पर रोने के नजर आने लगी लुधियाना के मशहूर बुजुर्ग सूफी हाजी अहमद जान साहिब ने लिखा कि आप मुजद वक्त और ने इस्लाम के लिए सैफ काते और ने इस्लाम के लिए हजत बालिगा हैं लोगों के हाथ बैत की घर से आपकी तरफ उठने लगे लेकिन आपलात वाम ने इनकार से काम लिया और फरमाया लस्तु बिमा बिल आखिर जब अल्लाह ताला की इजाज़त अता हुई तो आप सलात ने यकम दिसंबर सन 1888 को एक इश्तहार तबलीग के नाम से शाया फरमाया जिसमें तहरीर फरमाया ये रब्बानी हुक्म है जो आज मैंने पहुंचा दिया है इस इब्तदाई ऐलान के चालीस रोज़ बाद हज़रत मसीह मऊद असलातम ने बारह जनवरी सन अठारह सौ नवासी को तकमील तबलीग के नाम से एक और इश्तहार शाया फरमाया जिसमें दस शरात बैत का जिक्र है दरअसल ये दस शरायत बैत कल्ला व कॉल रसूल की अक्का करते हैं जिसमें बैत कुनिंदा से अहद लिया जाता है कि वो ता हयात शिरक से मुश्तनब रहेगा और खुदा और उसके दीन और उसके पाक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलोजान से अज़ीज़ रखेगा और कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी का दस्तुरुल अमल करार देगा इस इश्तहार की इशात के बाद सयदना हज़रतकदस मसीह मऊद अतलम ने कादान से लुधियाने का सफ़र इख्तियारिया और हजरत सूफी अहमद जान साहिब रजी अल्लाह तहु के मकान वाक मोहल्ला जदीद में क्याम फरमाया लुधियाना आने के चंद रोज बाद एक और इश्तहार शाया फरमाया जिसमें बैठ की अगराज मकासद और हासिल होने वाली बरकत का जिक्र करते हुए फरमाया ये ग्रोह उसका एक खालिस ग्रोह होगा और वो उन्हें आप अपनी रूह से कुत देगा और उन्हें गंदी जेज से साफ करेगा और उनकी जिंदगी में एक पाक तब्दीली बख्शेगा वो इस ग्रोह को बहुत बढ़ाएगा और हजारहा सादकीन को इसमें दाखिल करेगा वो खुद इसकी आप पाशी करेगा और इसको नशो नुमा देगा यहां तक कि इनकी कसरत और बरकत नजरों में अजीब हो जाएगी बिल आखिर सन अठारह सौ नवासी का वो मुबारक दिन आ गया जो इस्लाम की तारीख़ में एक सुनहरी तारीख़ साज़ दिन है यही वो मुबारक दिन है जिस रोज़ दौरे आखरीन में हया इस्लाम की आसमानी तहरीक का दुनिया में बाकायदा आगाज हुआ और हकीकी इस्लाम की अलम्बरदार और फिदाई जमात अहमदिया का संग बुनियाद रखा गया इमामज़मान सैयदना हज़रत मसीह माऊद आलम ने अपना दस्ते मुबारक मुबाइन के हाथों के ऊपर रखते हुए उनसे बैत ली यह बैतः उला कहलाती है इस रोज़ बैत का ये तरीक जमात अहमदिया में जारी वसारी है इब्तदा बैत की तकरीब में चंद अफरा शामिल हुआ करते थे तेईस मार्च सन अठारह सौ नवासी ब बीस रजब सन तेरह सौ दस हिजरी जुमेरात का दिन था हजरत अकदस मसीह पाक सलातम मकान के उस हजरे में तशरीफ लाए जो मकान के शुमाली मशरकी कोने में वाक़ है उस वक्त उसकी हालत एक खस्ता हाल कच्ची कोठड़ी की थी हजरत मसीह पाक सलातलाम कमरे के जुनूब मशरकी कोने में नीचे बैठ गए और इंतहाई सादगी के साथ बैत की तकरीब का आगाज हुआ कमरे के दरवाजे पर शेख हामिद अली साहिब रजी अल्लाह तहु को मुकर्रर फरमाया और हिदायत दी कि जिसे मैं कहता जाऊं उसे कमरे में बुलाते जाओ सबसे पहले जिस खुशनसीब को आप अलतम ने बैत के लिए तलब फरमाया वो आपके फिदाई और सरतापा आशिक हजरत अल्लाहा मौलाना हकीम नूरुद्दीन रज तू थे हजरत अकदस अकदसत ने हजरत मौलवी साहिब का हाथ कलाई पर से जोर के साथ पकड़ा और बड़ी लंबी बैत ली बैत के अल्फाज ये थे आज मैं अहमद के हाथ पर अपने गुनाहों और खराब आदतों से तोबा करता हूँ जिनमें मैं मुबतला था और सच्चे दिल और पक्के इरादे से अहद करता हूँ कि जहां तक मेरी ताकत और मेरी समझ है अपनी उम्र के आखिरी दिन तक तमाम गुनाहों से बचता रहूंगा और दीन को दुनिया के आरामों और नफ्स के लज्जात पर मुकदम रखूंगा और 12 जनवरी की 10 शर्तों पर हत्तल बसाकार बंद रहूंगा और अब भी अपने गुजश्ता गुनाहों की खुदा तला से माफी चाहता हूँ अस्त फरल रब्बी अस्तख फर उल्ला अस्तफरबी मिनकुल व अतूब उलह अशहद अला ला दह लाशरीकहू व अशहद महमद अब्दू व रसूलहू रबी इन्नी जुलम नफसी

चालीस खुश नसीबों ने आप असलातलम के दस्ते मुबारक पर बैत का शर्फ हासिल किया सयदना हजरत अकदस मसीह मऊद सलाम ने उन खुश नसीब अहाबाब के असमां एक रजिस्टर पर इंदराज करने का इरशाद फरमाया और उस रजिस्टर पर बैत तोबा बरा हसूल तकवा व तहारत लिखा गया मर्दों से बैत लेने के बाद हजरत अकदस घर वापस तशरीफ़ लाए और बादज औरतों ने भी बैत की हज़रत उमुल अमुलमिन सयदा नुसरत जहान बेगम साहिबा रज़ील् तहा तो हमेशा से आपके सब द आवी पर कामिल ईमान रखती थीं उस रोज़ सबसे पहले बैत की शत हज़रत सरा बेगम साहिबा ने पाई जो हज़रत मौलाना नूरुद्दीन रजी अल्लाह तहु की अहलिया और हजरत सूफी अहमद जान साहेब रजी अल्लाह तहु की साहिबजादी थी बैत की तकरीब के बाद जुमला हाजिर अहबाब ने हजरत अकदस के साथ आपके दस्तरखान पर खाना खाया और बाद नमाज अदा की गई सयदना हजरत अकदस मसीह माऊद अलतम इस सिलसिले की तरक्की के मुतालिक फरमाते हैं खुदा ताला ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा और मेरे सिलसिले को तमाम जमीन पर फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरके को गालिब करेगा और मेरे फिरके के लोग इस कदर इल्म और मारिफत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों के रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे और हर एक कौम इस चश्मे से पानी पिएगी और ये सिलसिला जोर से बढ़ेगा और फूलेगा यहां तक के जमीन पर मोहित हो जाएगा ये बैत नहीं है ये सादा है दिल का जहा में नहीं है कोई मोल का जहा में नहीं है कोई मोल का जहा में नहीं